वेलकम बैक टू कार एनर्जी विथ वन मोर वीडियो ऑफ टाटा एल्ट्रोज। एल्ट्रोज का क्या कहना, वन ग्लैंस एट इट एंड इट इज़ फैबुलस। भाई जबरदस्त बनाया टाटा वालों ने। टाटा एल्ट्रोज इज अ प्रोडक्ट मे बी ईयर्स ऑफ एक्सट्रीम हार्डवर्क बाई टाटा डिजाइनिंग टीम। बहुत जबरदस्त डिज़ाइन किया है इस गाड़ी को, और सीएनजी में देखा जाए तो एल्ट्रोज जबरदस्त है, कामयाब है, चलने में बिल्कुल पेट्रोल एंड इवन बेटर देन पेट्रोल। एवरेज देखा जाए तो एल्ट्रोज लोकल ऑन एसी 17-18 की एवरेज देती है, और हाईवेज पे 25 किलोमीटर के ऊपर। एल्ट्रोज इज़ अ गुड फैमिली कार। एल्ट्रोज हैज गॉट एवरीथिंग टू बी अ परफेक्ट हैचबैक फॉर एनीवन एंड एवरीवन आउट सर्च कर रहा एक प्रॉपर हैचबैक के लिए, तो एल्ट्रोज जैसी गाड़ी नहीं है। ट्रूली वैल्यू फॉर मनी। आई फाइंड द इंजन सेटिस्फाइंग। 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जबरदस्त है सीएनजी के लिए। ये एक ऐसी गाड़ी है वेर यू सेव फ्यूल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर कम्फर्ट। टाटा एल्ट्रोज पेट्रोल इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर वन हु इज़ लुकिंग फॉर अ प्रीमियम हैचबैक इन इंडिया। कंसिडरिंग द राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस, देखो इस गाड़ी के अंदर एक ही कमी है और वो एवरेज। एवरी वन वॉन्ट्स टू ऑफ फॉर सी एन जी एज देर इज मोर देन 50% ऑफ सेविंग्स। और अगर अब तो गवर्नमेंट ने BS6 गाड़ियों में पास भी कर दिया है, आज लगाओ कल पास कराओ, मतलब आराम से RC पे चढ़ रही है। ICAT ने टेस्टिंग करके सारी किटों, मतलब जो जो किट जैसे मोटोजेन हो गया, लवेटो हो गया, इन सभी किटों को पास कर दिया। टाटा एल्ट्रोज में मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगा, अगर आप चाहते हो कि इसको कामयाब करना है तो आप डायनेमिक एडवांसर लगाओ। सबसे मेन चीज़ है डायनेमिक। ये एडवांसर है जो आपके जो है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट दोनों सेंसर पे काम करता है, और अल्टीमेट गाड़ी के अंदर कोई लैग नहीं, कोई जर्क नहीं, चलाने के अंदर वही मज़ा है जो पेट्रोल के अंदर है। तो टाटा एल्ट्रोज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, हैवी गाड़ी है, इंजन आपका 3 सिलेंडर का है, तो डायनेमिक एडवांसर इज़ अ मस्ट। दूसरा जो काम इसके अंदर जो मेन है वो है आपका जो है कपलर टू कपलर वायरिंग। इसमें इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है, सारा सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है। तीसरा जो इसके अंदर काम है कूलेंट कनेक्शन, ये मस्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ सभी गाड़ियों में ये 2 वायर ब्रेडेड पाइप आपके रिड्यूसर में आ रहा है, ये वार्म करता है। टेम्परेचर सेंसर वहीं लगता है जहाँ लगा होना चाहिए, यहाँ पे ये तभी लग सकता है जब ये कूलेंट कनेक्शन हो, और इससे आपका जो है फ्यूल कंजप्शन कम होता है, इससे आपकी एवरेज बढ़ती है, गैस की फ्लो फ्री रहता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कूलेंट कनेक्शन का, इट शुड बी डन। तीसरा आपका फिल्टर, इट जो भी गैस यहाँ से रिड्यूसर से निकल रहा है ना, ये पहले यहाँ फिल्टर होगा और फिर आगे इंजन में जाएगा थ्रू द इंजेक्टर, ये मस्ट है। इससे क्या है कि बहुत ज़रूरी है आपका इंजन सही रहता है इसमें। इसके अंदर मैंने फिलिंग वाल्व 2 लगाया, एक यहाँ और एक आपके साइड में, जेन्युइन वह कंपनी का, वो भी दिखाऊंगा। जेन्युइन मतलब आपको बार बार बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से CNG डलवाओ। ये आपका रिड्यूसर है मोटोजेन के अंदर, डबल स्टेज का आता ही है। ये आपका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है, और ये आपका ECM है 32 पिन का जो मोटोजेन के अंदर आता है। वायरिंग सारा मैं स्पाइरल ट्यूबिंग में करता हूँ, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए, ताकि वायरिंग को कभी कुछ ना हो, वायर कभी आपस में चिपके नहीं, कभी शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो। सुपर्ब इंस्टॉलेशन डन इन टाटा एल्ट्रोज, आई लव इट, मज़ा आ गया काम करके, और उतना ही मज़ा आएगा गाड़ी चला के। मैं कहता हूँ, मैं हमेशा चैलेंज के साथ कहता हूँ, टाटा की कोई भी गाड़ी ले आओ, वो नेक्सॉन हो, पंच हो, एल्ट्रोज हो, टियागो हो, टिगोर हो, मज़ा आएगा गाड़ी चला के। इन ऑल मोड्स द कार विल रन एज सेम एज पेट्रोल एंड इवन बेटर देन पेट्रोल। आइए मैं साइड फिलिंग वाल्व है वो दिखाता हूँ, ज़बरदस्त लगा है इसके अंदर, बार बार इनको बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, और इनको फीलिंग वही आएगा जो कंपनी फिटेड में आता है। दिस इज़ द वाल्व, अब यहाँ आराम से गैस डलवाओ, बार बार बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लायंस प्लेट यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे डेट देखेगा और CNG डाल देगा। इनके सिलेंडर का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी निकल कर आता है एल्ट्रोज के अंदर, मैं बताऊँ। बाकी गाड़ियों में आपको 50% बचता है, इस गाड़ी के अंदर 70% बचता है। आप सामान यहाँ रखो, इसके ऊपर भी रख सकते हो। और जो स्टैंड का मेरा क्वालिटी है, आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड रबर ग्रिप के साथ,
नट बोल्ट हमेशा TVS कंपनी का लगाता हूँ, ये पीस के हिसाब से आता है, किलो के हिसाब से नहीं आता। ये एक बार फिक्स हो गया, कभी लाइफ में लूज़ नहीं होगा। और डक्टिंग करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्लैंपिंग नहीं किया हूँ क्योंकि इसमें गैस नहीं है, एक बार लीकेज चेक करूँगा फिर उसके बाद इसको क्लैंपिंग करूँगा। ये बहुत मस्ट है, कभी एक्सेस गैस आता है तो यहाँ से गैस लीक होता है, ये होल दिया हुआ है यहाँ से लीक होता है, तो कभी भी ऐसा हो तो वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा, गाड़ी के अंदर नहीं होगा। अब एक बार चलते हैं CNG पंप, बिलीव मी दिस कार इज़ गोइंग टू रन अल्टीमेट। जैसा काम किया हूँ, जैसा चीज़ एक्स्ट्रा लगाता हूँ, वैसा गाड़ी चलती है, और इसी कारण से लोग दूर दूर से आते हैं, मज़ा आएगा। सो दिस इज़ टाटा एल्ट्रोस अल्टीमेट। भाई से एक बार पूछता हूँ मैं, कैसा रहा सर, मतलब लड़के ने जो काम किया? बहुत अच्छा काम किया है, फिटमेंट वेरी गुड, और काफ़ी सही, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और सही टाइम में बिना किसी वेटिंग के अच्छी तरह से काम करके दिया है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और गाड़ी कैसी चल रही है? गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं आ रहा पेट्रोल और CNG में। मैं यही तो मैं चैलेंज में बोलता हूँ हमेशा, ऑल माय टाटा कार्स जो वीडियोस देख के आए हैं, मैं भी वीडियो देख के आया हूँ, और वो वीडियो बिल्कुल वेरीफाई करते हैं इनके काम को। थैंक यू सर। अब आगे जो ध्यान रखना है, जब भी आप गाड़ी सर्विस कराओ, इसका थ्रॉटल बॉडी और स्पार्क प्लग हमेशा चकाचक रखो, क्लीन। ओके सर, मैं दिखा दूंगा थ्रॉटल बॉडी क्या होता है, स्पार्क प्लग कहाँ होता है, बस उसका ध्यान रखो और गाड़ी चलाओ, कभी दिक्कत आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सो दिस इज़ टाटा एल्ट्रोस, रियली अल्टीमेट कार, बहुत ज़बरदस्त है CNG में। बस थोड़ा सा मेंटेनेंस, हर एक गाड़ी में थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है CNG में, जो कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन, स्पार्क प्लग क्लीन, ये कराते रहो, चलाते रहो सालों साल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड एक लाइक ज़रूर बनता है, प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।